कि देश टूटेगा या एक रहेगा, ये आपको फैसला करना है। आप देख लीजिए, आज 8 सालों में देश बर्बाद हो रहा है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश के संविधान के जगह आरएसएस का एजेंडा लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान, सब लोग परेशान है। महंगाई की मार, यही लोग ना गाना गाता था भाजपा वाला लोग कि महंगाई डाइन खाई जात है। आज डाइन नहीं, भावजाई हो गई है। तो इसलिए आप सब लोगों को, ये लोग जो छलिया लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, ये लोग केवल और केवल धोखा देने का काम करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। इनको देश के लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। आज बताइए, एक भाजपा का एमपी कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है भाई? जरा उस सांसद को बता दीजिए, भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट हो रखा है। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसा नहीं होता दोस्तों, 2014 से पहले जब मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे ऐसा नहीं होता दोस्तों कि रुपया कमजोर हो जाए। हमने भी शासन किया, हमें पता है। अब 8 साल में बता दीजिए, रुपया सबसे महंगा हो गया, सबसे मतलब नीचे गिर गया। डॉलर जो हो गया 82 रुपए हो गया, मतलब एक डॉलर पर आपको 82 रुपए देना होगा। पहले क्या था, 50 रुपया होता था, 60 रुपया होता था, तो मोदी जी को षड्यंत्र लगता था। आप जब 82 रुपया हो गया है डॉलर का, तो आज क्या हाल है भाई? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक वादा जो है पूरा नहीं हुआ। इसलिए इन लोगों का हिडन एजेंडा है। जब मुद्दे की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, महंगाई के बारे में बात करोगे, भाईचारे के बारे में बात करोगे, किसान के बारे में बात करोगे, शिक्षा के बारे में बात करोगे, चिकित्सा के बारे में बात करोगे, देश की सुरक्षा के बारे में बात करोगे, तो ये लोग अपना वही एजेंडा, जो पुराना इनका जो फॉर्मूला है, वही लेकर के आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान, झंझट पैदा करो, आपस में लड़ा दो और फूट डालो और राज करो, नीति से ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जितने साथी यहां आए हैं देश भर से, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, भाईचारा को कायम रखना है। जो भड़काने का काम करेगा उसको भी सबक सिखाना है। इसलिए हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए अगर कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो वो समाजवाद ही दे सकता है। और आप समझिए, इन लोगों का बहुत एजेंडा है, तो हम ज्यादा कुछ ना कहेंगे, आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप लोग सब लोग गोल बंद रहिएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी आप लोग एक बात समझ जाइए, हमारा पार्टी है महागठबंधन है, कभी कभी हम सब लोगों को जो बड़ा मकसद है, बड़ी जो लड़ाई है, उसको हम लोगों को देखना है। अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफीपन होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को
हम सब लोगों को एकजुट रहना है, और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है, इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए 24 के लिए तैयार है कि नहीं। और हम लोग जीतेंगे, हम तो पहले बोले थे ना, करे के बाद जीते के बाद, करे के बाद लड़े के बाद जीते के बाद। तो आप सब लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। हम लोग जल्दी नई जो सरकार बनी है तो हम लोग नौकरियां देने जा रहे, सरकारी नौकरी देने जा रहे, पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने जा रहे। इसलिए आप सब लोग से यही प्रार्थना है, लेकिन जितना जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप बूथ पे नहीं जाइएगा, जब तक छोटे जातियों को, चाहे अति पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, उनको जब तक सीने से नहीं लगाइएगा, तब तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन में रह करके आप सब लोग, इस बात को हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करेंगे, एक काम मेरा माना हुआ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सही में बताइए, कहीं भी जाइएगा तो कबीर का दोहा ना, झुकने में बुराई नहीं है। अगर छोटी जातियों के यहां जाइएगा, टोलों में जाओगे, गांव में जाओगे, अति पिछड़ा जो कमजोर वर्ग है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो गरीब रहता है, आपको उसकी रक्षा भी करना है। सुख दुख का भागीदार बनिएगा कि नहीं बनिएगा? लेकिन अपना स्वभाव में भी जो है बदलाव लाने की जरूरत है। तो कोई बड़ा काम तो है नहीं, अगर छोटे जो कमजोर वर्ग है उसको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। मुख्य धारा में लाना है कि नहीं लाना? तो अपने स्वभाव में हम सब लोग परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे, बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कोई नफरत ईर्ष्या नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और ये हमारी देश की पहली ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के संगठन में आरक्षण लागू करने का काम किया। और यही नहीं, हम लोग सब लोग जो है इस काम को हम लोग करें जो 90 में हम लोग किया करते थे। 90 में हम लोग कितने लोगों के साथ थे, सभी समाज के लोग। और ये पार्टी तो A to Z की पार्टी है ना, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, या प्रगतिशील वर्ग के लोग हो, ये पार्टी सबों की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। और इससे भाजपा वाले लोग को बहुत दिक्कत होता है। अब तो स्वर्ण जाति के लोग खुल करके मुद्दे की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा जो है BJP का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। सब लोग अब जो है बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। और बिहार चुनाव में 2020 के चुनाव में सभी लोगों का हमको साथ मिला, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, सब लोगों का, दलित हो, सब लोगों ने साथ दिया। इसलिए साथ दिया कि आप सही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आज ऐसा हुआ जो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि आज के दिन ही जो है नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। तो आज श्रद्धांजलि तो हम लोगों ने अर्पित किया ही है। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को पुनः बधाई देने का काम करते हैं। यहां आया हुआ एक आदमी बोला, अपने खर्चे पर आया, अपने लोग जो है खुद पहुंचा,
ये बीजेपी वाला जैसा नहीं है कि उठा उठा के ले जा रहा है, कुचला के ले जा रहा है। बोलता है भाजपा वाला, चलो रैली में मोदी जी से इंदिरा आवास दिला देंगे, बीपीएल कार्ड बनवा देंगे। तो ये सब वाली पार्टी नहीं, ये लालू जी की लोकप्रियता है देश भर में, उस वजह से ये सब चीज हो रहा है, हम लोगों को कल्पना नहीं। तो इसलिए आप सब लोगों को हम यहाँ स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं और श्रद्धा के सुमन फिर से नेताजी के चरणों पर हम गिराते हुए अपनी बात को खत्म करते हुए जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। शुक्रिया, शुक्रिया माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे अभिभावक और हमारे राष्ट्र